Hey guys, welcome back. आज की वीडियो होने वाली है एकोमोडेशन पे. बहुत लोग आपको ये तो बता देंगे कि एकोमोडेशन कहाँ से ढूंढना है, कैसे ढूंढना है और क्या करना है, बट लोग आपको ये नहीं बताएंगे क्या चीजें होती हैं जिनसे आपका एकोमोडेशन मिलने के चांसेस इंक्रीज हो सकते हैं. तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 5 ऐसी ट्रिक्स जो आपको हेल्प कर सकती हैं अकोमोडेशन के लिए. एज यू नो कि कनाडा में बहुत इस टाइम पे आफ्टर कोविड बहुत लोग आ रहे हैं, यहाँ पे अकोमोडेशन क्राइसिस बहुत ज़्यादा हो चुका है. एंड आई गॉट टू नो दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर स्ट्रगलिंग इन फाइंडिंग अकोमोडेशन. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो गाइस, सबसे पहली ट्रिक जो है, यूज अ गुड टेम्पलेट. तो जब भी आप मार्केट प्लेस पे या जितनी भी अदर साइट्स होती हैं जहाँ से आप अकोमोडेशन को ढूंढ रहे हो, तो वहाँ पे आपको ऐसे मत भेजना कि इज़ इट अवेलेबल. ऑप्शन आता है इज़ इट अवेलेबल, तो लोग आपको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देंगे. तो जब मैंने घर ढूंढा था एंड मुझे विद इन 10 डेज मेरा नया घर मिल गया था, तो मैंने क्या करा था कि मैंने एक टेम्पलेट लिख ली थी कि जिसमें मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बताई थी. बेसिकली मैंने अपने बारे में बताया था कि मैं कहाँ काम कर रही हूँ, एंड आई एम अ स्टूडेंट, एंड आई एम अ वेजिटेरियन गर्ल, आई एम वेरी रिलीजियस गर्ल, एंड आई एम वेरी क्लीन, आई एम नॉट अ पार्टी पर्सन, एंड मैं अपने घर में लोगों को इन्वाइट नहीं करती ज़्यादा, आई डोंट स्मोक, आई डोंट ड्रिंक. तो ये सब चीज़ें मैंने अपने बारे में लिखी थी, लोगों ने मेरे को प्रेफरेंस दी थी एंड मेरे को रिप्लाइज आने शुरू हुए थे. तो इफ़ यू वॉन्ट टू फाइंड अकोमोडेशन, तो अपनी एक टेम्पलेट बना लो आप भी, एंड उसी टेम्पलेट को हर जगह कॉपी पेस्ट करके अब आप हर जगह भेजते जाओ. मैं रेफरेंस के लिए आपको अपनी टेम्पलेट दे देती हूँ. तो ये मेरी टेम्पलेट थी, इसको आप रेफर कर सकते हो एंड मैं अपनी डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगी, तो वहाँ से आप एक बार रेफर कर लेना. अगर किसी को आप अपने बारे में बताओगे तो ऑब्वियसली एक बंदा है जो ये लिख रहा है कि हाँ इज़ इट अवेलेबल, एक बंदा है जो लिटरली दिखा रहा है कि हाँ मैं इस घर के लायक हूँ एंड ये मेरी क्वालिटीज़ हैं. अपने अगर लैंडलॉर्ड को तुम्हारे बारे में पता होगा तो ऑब्वियसली तुम जितना अपने बारे में डिटेल में लिख सकते हो इतना सामने वाले को आपके बारे में पता होगा. रिप्लाई आने के चांसेस लैंडलॉर्ड से, वो भी पॉजिटिव रिप्लाई आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं. तो ये वन ऑफ द तरीका है जो मैंने खुद से यूज़ करा है. स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि उनको एकोमोडेशन उनकी यूनिवर्सिटी के पास मिल जाए ताकि उनका ट्रैवलिंग टाइम एंड ट्रैवलिंग कॉस्ट ये सब बच जाए, बट दिस इज़ हार्ड टू फाइंड. आपकी प्रेफरेंस को प्रायोरिटी रखते हुए एंड आप अलाउ मी टू इंट्रोड्यूस यू टू यूनी एको. इट्स अ ग्लोबल स्टूडेंट एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म. सो गाइज, ये 2019 में लॉन्च हुआ था. बेसिकली ये ग्लोबल लीडर है इन स्टूडेंट एकोमोडेशन प्लेटफॉर्म एंड इनके ओवर 3 मिलियन बेड्स हैं इनके पास अवेलेबल एंड इनकी प्रेजेंस ओवर 10 कंट्रीज में है इंक्लूडिंग कैनेडा. इनके ओवर 10,000 प्रॉपर्टीज इनके पास हैं. 6.5 मिलियन स्टूडेंट्स ने फ्रॉम 145 प्लस कंट्रीज से इन लोगों को रीच आउट करा है और इनकी वेबसाइट को यूज़ करा है. फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज है, कोई डिपॉजिट नहीं देना एंड कोई यूनिवर्सिटी से टाई अप नहीं है. इसी की वजह से स्टूडेंट्स की नंबर वन चॉइस है अकोमोडेशन के लिए, स्पेशली जो ओवरसीज से ट्रैवल करके आते हैं. कैशबैक भी प्रोवाइड करते हैं, अमेजोन वाउचर्स भी प्रोवाइड करते हैं स्पेशली न्यू स्टूडेंट्स को. ऑल्सो आपके पास बहुत सारी चॉइसेस भी हैं अपना एकोमोडेशन के लिए, आप अपने तरीके से चूज कर सकते हो. विन स्टूडियोज, बेसमेंट, इन सूट्स, नॉन इन सूट्स. अगर आप 5-6 लोगों का ग्रुप लेके आते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट भी देंगे लोग. के अलावा एक और फैक्टर है, तो अगर आप किसी को भी रेफर करते हो और कोई इनसे एकोमोडेशन लेता है तो आपको ये 100 GBP आपको ये पे करेंगे. सो थर्ड इज गाइस, मेक अ गुड पोर्टफोलियो ऑफ योर सेल्फ. है रब्बा, धूप लग रही है. सोशल मीडिया साइट्स है, फॉर एग्जाम्पल लिंक्डइन हो गया. इसको ऐसे इस वजह से लेके देखो, फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके पास आ रहा है घर के लिए अप्रोच करने के लिए एंड वो उसकी सोशल मीडिया पे कहीं भी कोई भी मम्मी उसकी सोशल मीडिया पे कोई भी प्रोफाइल नहीं है. अगर जैसे आप फेसबुक पे मैसेज करते हो और वो बंदा आपकी प्रोफाइल पे क्लिक करता है एंड वो आपकी कोई DP कुछ भी नहीं देख पा रहा, तो उस बंदे को कैसे पता चलेगा आपके बारे में. तो जितना आप अपनी प्रोफाइल्स ओपन रख सकते हो उतनी प्रोफाइल्स ओपन रखो. मेरे केस में क्या हुआ था, मैंने अपना लिंक्डइन दे दिया था, उन्होंने मेरे को घर दिया है, तो उनको मैंने अपना यूट्यूब चैनल बता दिया था, तो दे गॉट टू नो अबाउट मी फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल, तो इसलिए उन्होंने मेरे को प्रेफरेंस दी थी और उन्होंने मुझे एक बारी में हाँ कर दिया था. ये लोग किसी को भी ऐसे घर नहीं दे देते, उन्हें भी चाहिए कि कोई जेन्युइन बंदा आए जो उनके घर को क्लीन रख सके एंड जो फालतू की हरकतें ना करे. अगर आपकी प्रोफाइल बहुत छुपी छुपी रहेगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है. तो अगर अभी भी टाइम है, अगर आपके अकाउंट्स नहीं है तो ओपन प्रोफाइल्स बना लो, जितनी इंटरेक्टिव हो सकती है उतनी बना लो, ये आपके बहुत काम आने वाला है. नेक्स्ट इज गाइज, ट्राई टू फाइंड योर पीयर्स फ्रॉम योर होम कंट्री.
तो फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम इंडिया, आपका कॉलेज एक्स वाई जी है, ऑलरेडी ग्रुप्स बने होते हैं, तो अगर आप फेसबुक पे जाओगे एंड टाइप करोगे दोज ग्रुप्स, तो वहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप्स होते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, इन ग्रुप्स को ज्वाइन कर लो वहाँ पे। यार यहाँ पे भी मक्खी आ गई। अपने ग्रुप्स ज्वाइन कर लो एंड वहाँ से अपना कोई ग्रुप बना लो, कम से कम 4 या 5 लोगों का ग्रुप बना लो, एंड वहाँ से अगर तुम आओगे तो इकट्ठे एक बेसमेंट ले लोगे या एक अगर अपार्टमेंट ले लोगे तो तुम्हारे लिए बहुत ईजी हो जाएगी। इनिशियल डेज में तुम्हें यहाँ पे सर्वाइव करना है, इनिशियल डेज के बाद तो अगर तुम्हें कंफर्टेबल नहीं होता तो एक बार तुम सेटल हो जाओगे, सेटल होने के बाद तुम अपना नया घर ढूंढ सकते हो। मेन प्रॉब्लम होती है इनिशियल डेज में, तो बेस्ट थिंग इस चीज़ के लिए ये है कि आप उन्हें पहले से जानते होगे, तो रादर देन कि आप यहाँ आके एक किसी अननोन ग्रुप्स के साथ रहो, तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पे उनके साथ रह लो जिन्हें आप ऑलरेडी जानते हो। इसी बात पे गाइज, अगर आपको ये वीडियो अभी तक पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइज, ट्राई टू बी एक्टिव ऑन सोशल मीडिया। इफ़ यू आर नॉट अ सोशल पर्सन, आई एम सॉरी टू से दिस, बट कैनेडा में आपके लिए सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाना है। इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, इफ़ यू हेजिटेट आई टॉकिंग टू समवन, टू अननोन पर्सन, तो यार आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो इफ़ यू आर एन इंट्रोवर्ट पर्सन, तो इस पर्सनैलिटी को चेंज करो एंड ट्राई टू बी मोर एक्सट्रोवर्ट एंड ट्राई टू बी सोशल, क्योंकि ये आपको यहाँ पे बहुत काम आने वाला है, क्योंकि आपको यहाँ पे रेफरेंसेस बनाने हैं, सब कुछ बनाना है। कुछ एग्जाम्पल्स में कि लोग कैसे व्हाट्सएप ग्रुप में अपने आप को ऐड करते हैं एंड एकोमोडेशन के लिए उनको अप्रोच करते हैं। बहुत सारे लोग तो भाई व्हाट्सएप ग्रुप्स में एकोमोडेशन भेजते हैं, जैसे ये आप फोटोज़ देख सकते हो। बहुत लोगों के जो आपको इग्नोर भी करेंगे तो आपको उनको फॉलो अप भी करना पड़ेगा, ये नहीं कि इग्नोर कर दिया ईगो हर्ट हो गई, ये सब नहीं सोचना भाई। तुम्हें करना पड़ेगा उनसे बात, तुम्हें उनसे फॉलो अप भी करना पड़ेगा, एक नहीं दो नहीं 10 बार ही करना पड़े तब भी करना पड़ेगा, क्योंकि घर की ज़रूरत तुम्हें है उनको नहीं है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में रखना। आई होप ये 5 से 6 ट्रिक्स आपके चांसेस इंक्रीज करेंगी एकोमोडेशन के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल एंड अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ऑल्सो ये वीडियो उनके साथ शेयर कर दो जो यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं। सी यू सून गाइज, बाय।